हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कि मैं आपको दिखाऊंगी इसमें जीवदानी माता का मंदिर, जो कि पहाड़ी पे है, बहुत ऊंचाई पे है। तो वहां हम जाने वाले हैं, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। वैसे आप जानते हैं बारिश का मौसम है, तो व्यू बड़ा अच्छा आएगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। और प्लीज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इन ब्लॉग्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। नैना और ध्रुव भी एक्साइटेड हैं पहाड़ी पे जाने के लिए। और यहाँ पे बारिश के मौसम में सब पेड़ पौधे ग्रीन ग्रीन हो गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हम ऑटो में बैठ कर के जा रहे हैं। ये ध्रुव देखो क्या एक्टिंग कर रहा है। फ्रेंड्स अब हम विरार स्टेशन पहुंच चुके हैं। जीवदानी माता के मंदिर में जाने के लिए आप मुंबई में जहाँ भी कहीं पे रहते हैं वहाँ से ट्रेन पकड़ के आप विरार आए। विरार वेस्टर्न लाइन पे पड़ता है। आप विरार स्टेशन उतर करके ईस्ट में जाएं, तो जहाँ ईस्ट में आप जाएंगे वहाँ से आप ऑटो पकड़ करके जीवदानी के माता के मंदिर में जा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए अब हम पहुँच गए हैं ऑटो से। पर पर्सन चार्ज ऑटो का जो है वो लगेगा 20 रुपये। तो देखिए बारिश तेज है। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सामने आप देख पा रहे हैं ये है जीवदानी माता का मंदिर। हमें इतनी ऊपर चढ़ाई करनी होगी। जीवदानी माता के मंदिर में चढ़ाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो रोपवे का जो आपके सामने है, आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं, और दूसरा पैदल। तो फ्रेंड्स हम आप लोग पहुँच चुके हैं अब जीवदानी माता के यहाँ पे। तो अभी हमको ऊपर जाना है, तो देखिए पैदल भी जा सकते हैं आप। यहाँ पे सीढ़ियों के थ्रू आप ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ पे जो ट्रॉली होती है वो भी जा रही है, जैसे कि आप सामने लाइन देख पा रहे हो मेरे, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, उनसे भी आप जा सकते हो। तो चलिए देखते हैं आप किससे जाते हैं। तो जैसे भी जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। अगर ट्रॉली से जाते हैं तो बताती हूँ उसका क्या चार्ज रहेगा, और किस हिसाब से जाना है वो सब मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमें चप्पल स्टैंड मिलेगा, वहाँ पे आप अपनी चप्पल निकाल करके रख दें। चप्पल स्टैंड के जस्ट पास में ही रोपवे टिकट काउंटर मिलेगा, वहाँ से आप रोपवे से जाते हैं तो उसकी टिकट ले लें। रोपवे के लिए पर पर्सन टिकट 200 रुपये रहेगा, और बच्चे का उनकी हाइट के हिसाब से आपकी टिकट लगेगी। ये रोपवे से जाने वाले लोगों के लिए वेटिंग रूम है। हम इसको लोकल लैंग्वेज में ट्रॉली भी बोलते हैं। तो चलिए अभी हमारी ट्रॉली आ चुकी है, सामने खड़ी है, तो चलिए चल करके बैठते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ट्रॉली के अंदर बैठ चुके हैं। देखिए इसमें ऑटोमेटिक गेट हैं जो बंद हो रहे हैं। एक ट्रॉली के अंदर 4 केबिन बने हुए हैं। एक केबिन के अंदर आमने सामने करके 2 सीटें हैं। अब हमारी ट्रॉली चल रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्पीड बहुत कम है, तो इसी स्पीड से ये जाएगी। ये देखिए साइड से पहाड़ी का व्यू कितना सुंदर नज़ारा है। ट्रॉली के साथ साथ सीढ़ियाँ भी बनाई हुई हैं, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप इन सीढ़ियों से भी उतर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी ट्रॉली रुक गई है क्योंकि सामने से क्रॉसिंग है, सामने से एक और ट्रॉली आ रही है, वो आएगी फिर ये आगे जाएगी। ट्रॉली के जाने के लिए इस टाइप की ट्रैक बनी हुई है। ये देखिए सामने से एक ट्रॉली आ रही है जिसने क्रॉस किया है, वो ये है। अब आप अच्छे से देख सकते हो कि किस टाइप की है ये ट्रॉली। इस तरीके से इसमें 4 केबिन बने हुए हैं, ये देखिए। देखिए विरार वेस्ट यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम पहुँच चुके हैं, तो चलो उतरते हैं यहाँ से। ये खुल चुका है। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं जीवदानी माता के यहाँ पे।
पे फोटो अलाउ नहीं है, तो थोड़ा साइड में होकर क्लिक कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जीवदानी माता का मंदिर, ऐसे मैं दिखा दूंगी आपको। ये है माता का मेन मंदिर, आप सामने देख पा रहे हैं माता जी की फोटो। तो फ्रेंड्स अभी है ना माता के मंदिर में साफ सफाई हो रही है, तो अभी के लिए माता के मंदिर के सामने से हम दूर से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन 10-15 मिनट वेट करने के बाद हम पास से दर्शन कर सकते हैं, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। तो जैसे मंदिर खुलेगा तो हम जाएंगे, तब तक हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ पे गेम चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स अभी गेट खुल गया है, तो सभी लोग एक साथ आ गए हैं, क्योंकि नीचे लोगों को रोक करके रखा गया था। तो अभी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे सब लोग दर्शन करके चले जाएंगे। फ्रेंड्स माता रानी के दर्शन करके आ चुके हैं, ये मंदिर पास से तो फोटो क्लिक करने नहीं दे रहे हैं, तो दूर से मैंने आपको दिखा दिया है, वो आप वीडियो क्लिप में देखना। अब हम जा रहे हैं पहाड़ी के टॉप पर, यहाँ पे और अन्य देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, तो चलिए वहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब हम पहुँच चुके हैं ऊपर। यहाँ पहाड़ी के टॉप पर बच्चों के देखने के लिए अलग अलग टाइप के बर्ड्स भी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे सभी भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे 4 से 5 मंदिर और हैं ऊपर। दोस्तों माता के मंदिर में पहुंच के दर्शन करके पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो इधर। अभी आपको विरार का पूरा सीन दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब हम पहाड़ी की चोटी पे आ चुके हैं, माता का जहाँ मंदिर है उसमें सबसे टॉप पे आ चुके हैं। तो यहाँ से मैं व्यू दिखाती हूँ, यहाँ से पूरा विरार आपको दिखाई देगा। फ्रेंड्स अब हम माता के दर्शन करके वापस आ चुके हैं। अभी हम ट्रॉली में हैं, जो ट्रॉली का 200 रुपए की जो टिकट लगी थी वो आने जाने की है। सामने से आप देख पा रहे हैं एक और ट्रॉली आ रही है, आप क्लियर देख पाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स अब हम जीवदानी माता के दर्शन करके घर पे आ चुके हैं। दर्शन बहुत अच्छे हुए, ज़्यादा भीड़ नहीं थी और हमने अच्छे से दर्शन किए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जीवदानी माता का मंदिर विरार में है, तो जब भी आप कभी आए विरार मुंबई तो माता का दर्शन जरूर करें। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और अगर आप ही माता के भगत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।